और मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। संचार बंदी लागू कर दी गई है, हालांकि उद्धव सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम नहीं देकर संचार बंदी का नाम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना की वजह हम सब खुद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के संतोष भवन मार्केट में हूँ। यहाँ पर किस तरह से लोग लापरवाही भरे कदम उठा रहे हैं, किस तरह से बिना मास्क के सभी भाजी वाले हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख पा रहे होंगे, उस मार्केट में जो खरीदने वाले आ रहे हैं वो लोग भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो तो बिना मास्क के है ही। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लापरवाही की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने आदेश दिया है कि एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत जो सुविधाएं आती हैं सिर्फ वही शुरू रहेंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी भी दुकानें शुरू हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती, जैसे चिकन मटन की शॉप, इसके अलावा इत्यादि इस तरह की तमाम दुकानें। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस मार्केट में और दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर लापरवाही भरे कदम उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजी वाले जो हैं बिना मास्क के हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं, भाई साहब आपके बात समझ नहीं आती क्या, मास्क कहाँ है आपका, कहाँ है मास्क आपका? अरे लगा रहा हूँ। कब लगाऊंगे, कब लगाएंगे? आपके दुकान पर इतने सारे लोग खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का जिम्मेदार आप खुद को नहीं समझते? आप तो दुकान खोले हैं लेकिन और बाकी लोग जो घर में हैं कहाँ चले गए? मास्क के काफी देर से थे, कब से हम देख रहे थे, अब अचानक से मास्क पहन लिया आपने, क्या हर कोई आपको याद दिलाने आएगा तब आप मास्क पहनेंगे? याद नहीं दिलाने आएगा, मास्क जब साथ पहना है अभी तो। मास्क कभी नहीं था, दो सेकंड में क्षण भर भी नहीं लगा मास्क आने में, चल के आया मास्क खुद? मास्क चल के नहीं आया था। फिर क्यों नहीं पहने थे आप मास्क? पहन लिए ना अभी। अभी पहन लिए, वही तो पूछ रहे हैं, हर कोई आपको याद दिलाने आएगा? क्या पुलिस वाला या मीडिया कर्मी जब आपको याद दिलाने आएगा तब आप मास्क पहनेंगे? एक जिम्मेदार नागरिक बनना सीखिए। हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई इस बाजार की, लापरवाही की जा रही है, इन्हें हर पल हर क्षण ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपके जान की कीमत क्या है। इसके अलावा आपके साथ जो दो चार व्यक्ति खड़े हैं उनके जान की कीमत क्या है, इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सरकार द्वारा जो भी नियम लागू किया जाए सख्ती से उसका पालन कीजिए, ताकि हम जल्द ही इस कोरोना से निजात पा सके और कोरोना की इस चेन को तोड़ने में मदद मिल सके। और ये जो ब्रेक द चेन कोरोना की के लिए जो मुहिम चलाया गया है उससे हमें जल्द ही निजात मिल सके और पहले की तरह हमारा समाज हंसता खेलता सा हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.